नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में अपने डांस और अपने गानों से लोगों के दिल में बसने वाली डांसर सपना चौधरी अब बिग बॉस के घर से बाहर निकल गई है। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद सपना ने मीडिया से कई तरह की बातें की थी। साथ ही उन्होंने अपने जीवन और उन्होंने किए एक सुसाइड प्रयास को लेकर भी कई तरह की बातें मीडिया को बताई थी। साथ ही बिग बॉस से निकलने पर भी उन्होंने एक बड़ी बात का खुलासा किया था। आपको बता दें कि सपना चौधरी बिग बॉस के घर में करीब 8 हफ्तों तक रही थी। उस बारे में खुद सपना ने कहा कि वह बिग बॉस के घर में कभी फेक बनकर रही तो कभी वह रियल सपना बनकर रही। उसने अब तक घर में किसी के साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं रखा है। वहाँ लोग कोई डबल फेस वाले भी हैं, वह ऐसे लोगों को कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकती। उस समय उसे जो भी अच्छा लगा तब उसने अपनी तरह से स्टैंड लिया। आज भी सपना को खुद पर काफी गर्व है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतने समय तक बिग बॉस का हिस्सा बनी रहेगी। सपना को तो कोई गेम खेलना भी नहीं आता है। उसे खुद पर विश्वास था कि वह फाइनल तक पहुंच पाएगी। सपना बिग बॉस में विजेता बनने के लिए नहीं गई थी। साथ ही सपना को बिग बॉस के घर से बाहर निकलने का कोई अफसोस भी नहीं है। बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।